नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है तो आप उसे गूगल पे से लिंक कर सकते हैं ताकि कोई भी बिल पेमेंट हो, शॉपिंग हो, मोबाइल रिचार्ज हो, किसी भी तरह का पेमेंट के लिए आप ये जो क्रेडिट कार्ड ऐड किया है गूगल पे पे उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे इसे कैसे ऐड करें, कैसे क्रेडिट कार्ड यूज करके आप गूगल पे से पेमेंट करें। चलिए शुरू करते वीडियो। दोस्तों अगर आप गूगल पे ओपन करते हैं तो होम स्क्रीन पर आपको एक प्रोफाइल आइकन दिखेगा, इसे आप क्लिक करें। प्रोफाइल आइकन क्लिक करते ही दो ऑप्शन आएगा, बैंक अकाउंट्स और पे बिजनेस। इस पर आपको सेलेक्ट करना चाहिए पे बिजनेस। पे बिजनेस मतलब डेबिट और क्रेडिट कार्ड ऐड करने का जगह है, इसे आपको क्लिक करना चाहिए। इसे क्लिक करते ही एक वार्निंग आएगा, आपका जो कार्ड है टैप एंड पे के लिए यूज किया जाएगा या ऑनलाइन क्यूआर कोड पेमेंट्स के लिए यूज किया जाएगा, क्या आप इसे अलाउ करना चाहते हैं? आप प्रोसीड बटन प्रेस कर दीजिए। प्रोसीड बटन प्रेस करते ही आपको दो ऑप्शन आएगा, एक है आपको जो कार्ड है स्कैन करने का ऑप्शन आएगा, अगर आपके पास अभी कार्ड है तो उसे अपने मोबाइल कैमरा से स्कैन कीजिए। सेकंड है आप देखिए मैन्युअली भी आप कार्ड इन्फॉर्मेशन टाइप कर सकते हैं। मैं यहां पर चुनता हूं मैन्युअली टाइप करने का ऑप्शन। इसे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं आपको देना चाहिए कार्ड का डिटेल्स, उसके बाद आप देखिए आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन से कार्ड का रिलेटेड उसे भी आपको देना चाहिए, मतलब आपका नाम, कंट्री, स्ट्रीट एड्रेस, फोन नंबर, ऐसी चीजें आपको देना चाहिए। डिटेल्स फिल करते ही आप देखिए नीचे एक सेव बटन है, उसे प्रेस कर दीजिए। सेव बटन प्रेस करते ही अगले स्क्रीन पर जिसने इश्यू किया है कार्ड, मतलब आपका जो बैंक है, उसका एक वार्निंग आएगा, टर्म्स एंड कंडीशन का एक वार्निंग आएगा, उसे आप कम्प्लीटली रीड कीजिए। इश्यूर का जो टर्म्स है उसे कम्प्लीटली रीड करने के बाद आप प्रेस करें बटन एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। इसे प्रेस करते ही आपका बैंक से वेरीफाई किया जाएगा आपका कार्ड। यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए आपके लिए दो ऑप्शन आएगा, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है बैंक से उस पर एक टेक्स्ट आएगा, या अपने ईमेल है रजिस्टर्ड जो ईमेल है उस पर एक कोड आएगा। यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ SMS का ऑप्शन। इतने पे आप कंटिन्यू बटन प्रेस कर दीजिए। कंटिन्यू बटन प्रेस करते ही अगला जो ऑप्शन है आप देखिए आपका जो OTP है उसे आप एंटर कीजिए जो मोबाइल नंबर पर आए है। एंटर करने के बाद सबमिट बटन प्रेस कर दीजिए। सबमिट बटन प्रेस करते ही आप देखिए आपका जो कार्ड है ये जो गूगल पे से लिंक्ड हो चुका है। अगर आप प्रोफाइल आइकन पर डेबिट और कार्ड सेक्शन पर जाते हैं तो उसके अंदर लिस्ट होता है कौन सा कार्ड लिस्ट हुआ है, कंप्लीट डिटेल आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडसइंड बैंक का ही क्रेडिट कार्ड ऐड किया गया है। जब आप पेमेंट करते हैं तो ये जो कार्ड यूज करके आप टैप एंड पे कर सकते हैं कहीं पर भी गूगल पे यूज करके। अगर आप जो कार्ड ऐड किया है उसे रिमूव करना चाहते हैं तो कार्ड के अंदर जाते हैं, तीन डॉट्स आता है ऊपर, उसे आप क्लिक करें। यहाँ पर रिमूव कार्ड हो, डिसेबल कार्ड हो, ऐसे ऑप्शंस आ जाता है। बस इसे यूज करने के लिए जब आप फ्लिपकार्ट से, अमेज़न से कोई भी बिजनेस रिलेटेड आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो गूगल पे के अंदर बैंक्स के साथ ही साथ ये जो कार्ड का ऑप्शन भी आ जाएगा। बस वो एक बिजनेस रिलेटेड रजिस्टर्ड एंटिटी होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट हो, अमेज़न हो या कोई भी शॉपिंग मॉल हो। मगर कभी भी आप कोई भी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर करना हो या नॉन बिजनेस एंटिटी को आप पेमेंट करना चाहता हो, अगर वो एक बिजनेस रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं है तो उस पर ये जो क्रेडिट कार्ड का जो ऑप्शन नहीं आएगा जब आप गूगल पे का पेमेंट करते समय। तो दोस्तों इस वीडियो में देखा कैसे आप क्रेडिट कार्ड को गूगल पे से लिंक करें ताकि जो कोई भी पेमेंट्स आप करते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप करें गूगल पे यूज करके। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।